एक जंग और दो मोर्चे, एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्ला। रॉकेट हमास भी दाग रहा है और हिजबुल्ला भी। क्या हमास और इसराइल की जंग में हिजबुल्ला भी पूरी तरह से कूदने वाला है? आखिर हिजबुल्ला का वॉर प्लान क्या है? क्या हिजबुल्ला भी इसराइल पर हमास जैसे बड़े हमले के मंसूबे पाले हुए हैं? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहले ये तस्वीर देखिए, ये इसराइल से लगते लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना के एक्शन की तस्वीरें हैं। इसराइल का दावा है कि उसने आतंकी संगठन हिजबुल्ला के बड़े ठिकानों को नष्ट किया है। यही नहीं, लेबनान बॉर्डर से घुसपैठ करने की कोशिश में इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के 4 आतंकियों को भी मार गिराया। क्या हिजबुल्ला इसराइल की टेंशन बढ़ा रहा है? क्या हिजबुल्ला इसराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि इसराइल के सामने हमास को खत्म करने से बड़ी चुनौती हिजबुल्ला को खत्म करने की है, जो इस लड़ाई में इसराइल पर लगातार छिटपुट हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के पीछे ईरान को बड़ी ताकत माना जाता है। कहा जाता है कि ईरान से समर्थन पाकर ही हिजबुल्ला इसराइल जैसे ताकतवर देश के खिलाफ रह रहकर हमले करता रहता है। अब हमास के हमले की आड़ में हिजबुल्ला भी नया मोर्चा खोल रहा है। जानकार मानते हैं कि हिजबुल्ला हमास से भी ज्यादा ताकतवर है। हिजबुल्ला की ताकत बीते 1.5 दशक में 20 गुना बढ़ गई। 2006 में हिजबुल्ला के पास 3,000 से 5,000 लड़ाके थे, लेकिन मौजूदा वक्त में उसके पास लगभग 60,000 लड़ाके हैं। 2006 में हिजबुल्ला के पास 14,000 मिसाइलें थी, जो अब बढ़कर 1,50,000 हो गई। माना जा रहा है कि अगर इस ताकत का इस्तेमाल हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ किया तो उसे काफी नुकसान होगा। हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं, जो किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं, जबकि हमास ने जिन कासिन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था वो अनगाइडेड। जानकारों का मानना है कि आतंकी संगठन हिजबुल्ला के पास कई ऐसी मिसाइलें भी हैं जो पूरे इसराइल तक मार करने में सक्षम, साथ ही एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद, जो बताने के लिए काफी है कि अगर हिजबुल्ला इस लड़ाई में खुलकर आया तो इसराइल को दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं कि हिजबुल्ला को ये ताकत ईरान जैसे कुछ अन्य इस्लामिक देशों से मिलती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्ला को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्ला को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी तक मुहैया कराता है। इसराइल हमास जंग के बीच ईरान की क्या भूमिका है, इसे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की धमकी से समझा जा सकता है। आयतुल्लाह अली खामनेई ने धमकी दी है कि अगर गाजा में इसराइल के हमले नहीं रुके तो मुसलमानों का धैर्य जवाब दे जाएगा और इसराइल को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दुनिया जानती है कि हिजबुल्लाह के पीछे कौन है, इसलिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने हिजबुल्लाह और ईरान को जंग से दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह इन वार्निंग्स को लगातार हवा में उड़ा रहे हैं। सोमवार को तो हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर इसराइल के सर्विलांस टावर को ही ध्वस्त कर दिया। वैसे तो हिजबुल्लाह आत्मघाती हमलों के लिए कुख्यात है। वो ऐसे हमले करता है कि अपने दुश्मनों को दहशत से भर देता है। इतना ही नहीं, उसने अपने आतंकियों को इजरायली सेना से लड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी, जिसमें छोटे और हल्के हथियारों को उपयोग करने के साथ साथ एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करने की भी ट्रेनिंग शामिल है। जुलाई 2006 की बात है जब हिजबुल्ला ने अपनी सीमा पर 2 इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया था, जिसके बाद इसराइल की ओर से बड़े पैमाने पर सैन्य हमला हुआ। युद्ध 34 दिनों तक चला, जिसमें 1100 से ज्यादा लेबनानी नागरिक और 165 इजरायली मारे गए। लेकिन ये बात 2006 की, 2023 तक हिजबुल्ला ने खुद को बहुत ताकतवर बनाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हिजबुल्ला पूरी तरह से इस जंग में उतरेगा और क्या हिजबुल्ला की ताकत इस जंग में इसराइल के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है?